जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आकाश मौर्य और आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल आलू की स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कोरोना वायरस की वजह से जो है यह इंडियन आर्मी में अर्जेंट भर्ती आयु फ्रेंस है और यह भर्ती जो आयु फ्रेंस है वह इंडियन आर्मी में जो है एआरओ की नई सीधी भर्ती आयु फ्रेंस। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास मांगा गया है और इस वैकेंसी के लिए महिला पुरुष दोनों प्रकार के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। इसके फार फीस जो है बिल्कुल फ्री है और आप लोग इसका जो है ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। और यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, जो इसका ऑनलाइन का लास्ट डेट जो है आप लोगों को 10 जून तक दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका ऑनलाइन डेट क्या है फ्रेंड्स है, और किस जिले के जो है स्टूडेंट जो है इस भर्ती में भाग ले सकते हैं, और साथ साथ मैं बताऊँगा यह दौड़ कहाँ पर होने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो से बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों को मैं इस चैनल पर जो है नई नई भर्ती से संबंधित सभी जानकारी हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोग चलकर देख लेते हैं वेबसाइट पर जो है फुल प्रूफ के साथ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। जरा से भी आप लोग इस भर्ती में जो है बारे में संकोच ना कीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम लोग चलकर देख लेते हैं वेबसाइट पर पूरी जानकारी क्या क्या दिया गया। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे मैं वेबसाइट पर आ चुका हूँ फ्रेंड्स, और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट 2020 यहाँ पर दिए गए। नंबर ऑफ पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर नॉट मेंशन दिया गया, यानी कि जो है इसकी खुली भर्ती के बारे में कितनी पोस्ट आती है इसके बारे में कोई जानकारी मेंशन नहीं किया जाता। अब बात करूँ पोस्ट नेम की, तो पोस्ट नेम यहाँ पर कौन कौन से आयो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग जो है सोल्जर जो है जनरल ड्यूटी यानी कि जीडी का पोस्ट आयो फ्रेंड्स, और जो सोल्जर टेक्नीशियन का आया हुआ, नर्सिंग असिस्टेंट का आया हुआ, सोल्जर क्लर्क और स्टोर कीपर का जो है पोस्ट आया हुआ, और सोल्जर ट्रेड्समैन जो कि कक्षा 8 के भी स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ पर क्या जानकारी यहाँ पर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो है इंडियन आर्मी भर्ती जो है यहाँ पर रैली भर्ती 2020 दिया गया, तो इसमें जॉब लोकेशन आप लोगों का यहाँ पर ऑल इंडिया में आप लोगों को जॉब कहीं भी लग सकता है, ठीक है। और एग्जाम आप लोगों का जो है मैं बताऊंगा यहाँ पर जो है इसका एग्जाम सॉरी होगा नहीं है, और यह खुली भर्ती है चुकी है, तो आप लोग इसमें जो है दौड़ करके क्वालिफाई होंगे, ठीक है। तो बात करें इसके पे स्किल के, वेतन आप लोगों को जो है यहाँ पर 21,700 रुपये से लेकर जो है 69,100 रुपये पर मंथ आप लोगों को मिलने वाला, ठीक है। अब बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट जो है जीडी के लिए आप लोगों को जो है 17.5 से 21 वर्ष होना चाहिए है, और ऑल पोस्ट के लिए यहाँ पर जो 17.5 से 23 वर्ष होना अत्यंत अनिवार्य, ठीक है। और जनरल ओबीसी के लिए यहाँ पर कुछ छूट मिलते थे जो कि आप लोगों को हमेशा की तरह यहाँ पर भी मिलेंगे, ठीक है। तो हम जो लोग इसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर चलकर जो है इसके बारे में जो है इस वैकेंसी की जो है मैं पुष्टि कर देना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, इंडियन आर्मी की तरफ जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था, फिर मैं उसको नोटिफिकेशन पर आ चुका फ्रेंड्स, और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस श्रीनगर यहाँ पर दिया गया, और यहाँ पर देख सकते हैं आर्मी रिक्रूटमेंट रैली एट आर्मी हेलीपैड ग्राउंड कारगिल, यानी कि यह जो है आप लोगों का दौड़ जो होने वाला है आर्मी हेलीपैड जो ग्राउंड यहाँ पर कारगिल में आप लोगों का दौड़ होने वाला है। दौड़ आप लोगों को कब होगा फ्रेंड्स, मैं वो भी बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर जो है 26 जून से लेकर आप लोगों को 30 जून के बीच में आप लोगों का दौड़ होने वाला है, ठीक है। यानी कि यही 4 दिन आप लोगों का दौड़ होने वाला है, और किन किन जिलों के स्टूडेंट इस वैकेंसी के में भाग ले सकते हैं मैं वो भी आप लोगों का आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी एंड विल बी टू ओपन फ्रॉम 27 अप्रैल से लेकर 10 जून के बीच में आप लोग जो है इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और आप लोग किस जिले के जो है स्टूडेंट इसमें भाग ले सकते हैं, तो यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर जो है लद्दाख के यहाँ पर स्टूडेंट भाग ले सकते हैं, ठीक है, और लेह के और कारगिल के स्टूडेंट इस वैकेंसी के लिए भाग ले सकते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ पर और क्या जानकारी यहाँ पर मेंशन किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जनरल ड्यूटी के लिए यहाँ जो पोस्ट आयो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है इन सभी चीज़ों को मैंने यहाँ ऊपर जो है डिस्क्रिप्शन में ऊपर बता दिया हुआ फ्रेंड्स, और इसके बारे में जो है डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो नीचे स्क्रॉल करके देख लेते हैं और क्या जानकारी यहाँ पर दिया गया, ठीक है। तो हम नीचे स्क्रॉल करके आ जा रहे हैं फ्रेंड्स, और आप लोगों को यहाँ पर मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है कुछ जानकारी है बेसिक आप लोगों को जान लेना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फिजिकल फिटनेस में आप लोगों को जो है यहाँ पर 1600 मीटर दौड़ लगाना होना, यानी कि 1.6 किलोमीटर आप लोगों को दौड़ लगाने वाला है, ठीक है। और मैं बता दूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर ग्रुप 1 के लिए यहाँ पर जो आया है, ठीक है, ग्रुप 1 में जो आप लोग आएंगे जब यदि कब आएंगे फ्रेंड्स, जिसमें आप लोगों जो है 7:30 में यदि आप लोग दौड़ लगाते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर 60 नंबर मिलेगा, ठीक है। यदि आप लोग 7:31 से लेकर 7:45 के बीच दौड़ लगाते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर जो है 48 नंबर मिलने वाला, ठीक है। यदि आप लोग 10 पुलअप करते हैं तो आप लोगों को 40 नंबर मिलेगा, 9 पुलअप करते हैं 33 नंबर मिलेगा, 8 पुलअप करते हैं 27 नंबर मिलेगा, और 7 पुलअप करते हैं 21 नंबर मिलेगा, और 6 पुलअप करेंगे तो आप लोगों को 16 नंबर मिलेगा। तो कोशिश कीजिए आप लोग 10 पुलअप जो है कर लें ताकि आप लोगों को 40 नंबर मिल जाए, ठीक है। अब बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर जो है डिच की, यहाँ पर जो है 9 फीट आप लोगों को लंबी कूद रहेगा फ्रेंड्स, जिसको जो है उतना कूदना पड़ेगा, नहीं यदि आप लोग कूदना नहीं कूद पाते हैं तो आप लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिएगा। और जिगजैग बैलेंस भी आप लोगों को क्वालिफिकेशन के लिए अनिवार्य है, ठीक है, तो उसको भी आप लोगों को कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ पर और क्या जानकारी यहाँ पर दिया गया, ठीक है।
उसके बाद आप लोगों को जो है यहाँ पर मेडिकल टेस्ट होने वाला है फ्रेंड्स, जिसमें जो है यहाँ पर कोई जो है यहाँ पर विशेष तरीके मेंशन नहीं होता है। जो लोग जो है इसके लिए अवेलेबल हैं वही लोग जो है इस वैकेंसी में भाग लें, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों को जो है इसके बारे में जो है एडमिट कार्ड के बारे में यहाँ पर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर फोटोग्राफी के बारे में दिया गया, ठीक है, एजुकेशन सर्टिफिकेट के बारे में दिया गया। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसको आप लोग जो है नोटिफिकेशन को पढ़ दीजिएगा। मैं इस नोटिफिकेशन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आप लोग कैसा लगा हम कमेंट बॉक्स में बताइए फ्रेंड्स, और जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।